हेलो दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है नई सीरीज पर, आईआरडी सर्टिफिकेशन मॉक टेस्ट। तो लीजिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ एन इंश्योर्ड इज डिडक्टेबल। तो इसके लिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, री इंश्योरेंस, डिडक्टेबल, को इंश्योरेंस, रिबेट। देखिए डिडक्टेबल क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया 10 लाख रुपए का, और अगर कोई भी एक्सपेंसेस आता है तो मुझे पूरा पेमेंट मान लीजिए कि कंपनी से लेना है जिससे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मेरा प्रीमियम ज्यादा आएगा। बट लेट अस सपोज मैं उस कंपनी को बोलता हूँ कि आप मुझे 10 लाख का कवर दो, बट मैं उसमें 5 लाख का डिडक्टेबल ले रहा हूँ। तो डिडक्टेबल का मतलब हुआ कि अगर पहला जो 5 लाख आएगा, और अगर कोई कवर या कोई क्लेम आता है तो उसको मैं खुद से पेमेंट करूंगा, बट बाकी 5 लाख के ऊपर का जो कवर होगा वो मैं कंपनी से लूंगा। तो देखिए कंपनी के पास जो पहले 5 लाख की रिस्क है वो नहीं होगी, वो मेरे पास इंडिविजुअल के पास होगी, तो इसलिए उसका प्रीमियम भी कम आएगा। अगर मैं कोई डिडक्टेबल लेता हूँ तो मैं पूरा 10 लाख रुपए का कवर लूंगा तो डेफिनेटली मेरा प्रीमियम ज्यादा आएगा। बट मैं अगर उसमें से 5 लाख का डिडक्टेबल ले लेता हूँ कि पहला 5 लाख का जो खर्चा होगा मैं डायरेक्टली अपने आप से पेमेंट करूंगा, और जो 5 लाख के बाद की पेमेंट होगी वो मैं इंश्योरेंस कंपनी से लूंगा, तो डेफिनेटली उसका जो डिडक्टेबल की वजह से लाइफ का जो हेल्थ कवर होगा वो भी एक तरह से कम हो गया, और उसका प्रीमियम भी ऑफ कोर्स कम ही आएगा। तो डिडक्टेबल के केस के अंदर इंश्योरेंस कॉस्ट है इंश्योरेंस की, वो रिड्यूस हो जाती है। कस्टमर हैविंग ए कंप्लेंट रिगार्डिंग हिज इंश्योरेंस पॉलिसी कैन अप्रोच आईआरडीए थ्रू। देखिए आईआरडीए क्या है, आईआरडीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, सभी के लिए। उसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब कोई अगर कंप्लेंट है किसी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में किसी कस्टमर का, तो वो कैसे रूट करेगा, आईआरडीए को कैसे अप्रोच करेगा, उसके लिए आईआरडीए ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ, उसको बोलते हैं आईजीएमएस, इंटीग्रेटेड ग्रीवियांस मैनेजमेंट सिस्टम। ये पोर्टल है, आईआरडीए का पोर्टल है, जिसके बेसिस के ऊपर इस सिस्टम के थ्रू कोई भी कस्टमर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। अगर आईआरडीए को अप्रोच करना है तो ये मैकेनिज्म है आईजीएमएस के थ्रू। इसके अदर ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म, ऑम्बड्समैन, IGMS और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म और ओम्बड्समैन। तो IRDA को अप्रोच करने का जो तरीका है वो है IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद, देखिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, वो किस चीज में डील करता है वो, अब इसके ऑप्शन है कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, कंप्लेंट अगेंस्ट शॉपकीपर्स, कंप्लेंट अगेंस्ट ब्रांड। तो ये सभी को कवर करता है, कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रांड, शॉपकीपर, जहां से भी हमने गुड्स और सर्विस अपने फाइनल यूज के लिए ली हुई है वहां पर हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कवर करेगा। डैश हैज ज्यूरिसडिक्शंस टू एंटरटेन मैटर वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड कंपनसेशन क्लेम इज अप टू 20 लाख। तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तीन ब्रैकेट्स बनी हुई है, उसमें क्या है कि अगर क्लेम अमाउंट, अगर कोई कंप्लेंट है और उसमें क्लेम अमाउंट 20 लाख तक है तो वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएगा, अगर 20 लाख टू 1 करोड़ है तो वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा, और अगर कोई क्लेम अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो वो हमारा नेशनल कमीशन के पास जाएगा। तो ये हमने इसको पूरा डिफाइन किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम DCDRF। तो ये 20 लाख तक के क्लेम को देखता है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ये 1 लाख 20 लाख टू 1 करोड़ को देखता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अबव 1 करोड़ के क्लेम को देखता है। तो ये हमारा क्लैरिटी हो जाता है बिल्कुल तीनों स्लैब्स में। इन कस्टमर रिलेशनशिप द फर्स्ट इंप्रेशन इज क्रिएटेड। तो देखिए कस्टमर रिलेशनशिप को डिफाइन किया है कि फर्स्ट इंप्रेशन किस तरह से क्रिएट हो सकता है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है बाई बींग कॉन्फिडेंट, बाई बींग ऑन द टाइम, बाई शोइंग इंटरेस्ट। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिलेशनशिप में जो इंप्रेशन है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑल ऑल थ्री, इट मीन्स बाई बींग ऑन टाइम, शोइंग इंटरेस्ट एंड बींग कॉन्फिडेंट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एथिकल बिहेवियर इज इम्पॉसिबल बाई सेलिंग इंश्योरेंस। तो ये जरूरी नहीं है, एथिकल बिहेवियर इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि हमें जब हम कोई इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो हमें एथिकल बिहेवियर शो करना चाहिए। एथिकल बिहेवियर इज नॉट नेसेसरी फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए एथिकल बिहेवियर बिल्कुल मैंडेटरी है। एथिकल बिहेवियर हेल्प्स इन डेवलपिंग ट्रस्ट बिटवीन द एजेंट एंड द इंश्योर, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप एथिकल बिहेवियर रखते हैं तो कस्टमर और एजेंट के बीच में एक ट्रस्ट बनता है और एक रिलेशनशिप डेवलप होती है। एथिकल बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट ओनली, दिस इज नॉट गुड।
this is not the right. Ethical behavior is expected from everyone in the service and goods industry, whosoever is selling these kind of product. Active listening involves. Active listening को देखिए किसको बोलते हैं? Paying attention to the speaker, giving an occasional nod and smile, providing feedback. तो देखिए active listening तीनों ही इसके part हैं. Providing, paying attention to the speaker, giving an occasional nod and smile, and providing feedback. ये speaker है उसको attention भी pay करना है, nod and smile भी करना है, so that he knows that we are listening. और फिर उसके जो speaker है उसको हमें एक correct feedback भी देना है. तो ये active listening के तीनों ही part हैं. The dash has the jurisdictions to entertain complaints where the value of the goods or services and the compensation claim is up to 20 lakh. तो देखिए हमने पढ़ा था अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अगर क्लेम 20 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम हैंडल करता है, अगर 20 लाख टू 1 करोड़ तक है तो स्टेट कमीशन हैंडल करता है, और अगर 1 करोड़ से ऊपर के क्लेम है तो नेशनल कमीशन हैंडल करता है. एक्सपेंड द टर्म आईजीएमएस. तो देखिए आईजीएमएस हमने स्टडी किया था अभी लास्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही. IGMS हमारा है इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें अगर किसी भी कस्टमर को, किसी भी पर्सन को अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में अगर कोई कंप्लेंट करनी है और उसको IRDA को अप्रोच करना है तो वो IRDA को, इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में अगर कंप्लेंट करना है तो वो इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पूरा प्रोसेस डिफाइंड है. उस प्रोसेस के थ्रू ही वो IRDA को किसी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट करने के लिए अप्रोच करता है. तो जो बाकी ऑप्शन है, इंश्योरेंस जनरल मैनेजमेंट सिस्टम दिस इज नॉट करेक्ट, इंडियन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम. ये पूरा पैन इंडिया में एक तरह से जो ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया गया है कि कोई कस्टमर किस किस तरह से उस मेथड के थ्रू अपनी कंप्लेंट कर सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम. विच ऑफ द बिलो कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल एजेंसीज वुड हैंडल द कंज्यूमर डिस्प्यूट अमाउंटिंग टू 20 लाख टू 1 करोड़. तो देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ग्रीवियंस रिड्रेसल एजेंसी जो है वो कौन सा हैंडल करती है. अगर आपका 20 लाख तक का क्लेम है तो डिस्ट्रिक्ट करेगा, 20 लाख टू 1 करोड़ है तो स्टेट कमीशन करेगा, और 1 करोड़ से ऊपर का क्लेम है तो आपका नेशनल कमीशन करेगा. तो पढ़ सकते हैं आप, इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म DCDRF अप टू 20 लाख, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन फ्रॉम 20 लाख टू 1 करोड़, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन NCDRC इफ द वैल्यू इज अबव 1 करोड़. विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर ए वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट. देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा एक ऐसा कंडीशन है जो कि वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं होगी. ऑप्शन 1, शॉपकीपर चार्जिंग ए प्राइस अबव द MRP फॉर द प्रोडक्ट, ये तो आएगा कंज्यूमर कंप्लेंट में. शॉपकीपर नॉट एडवाइजिंग द कस्टमर्स ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट इन द कैटेगरी. तो देखिए शॉपकीपर इस बारे में कभी नहीं एडवाइस कर सकता कस्टमर को कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, बिकॉज सभी की प्रेफरेंसेस अलग होती है, किसी को कोई बेस्ट लगता है, किसी को कोई बेस्ट लगता है. थर्ड ऑप्शन, एलर्जी वार्निंग नॉट प्रोवाइडेड ऑन ड्रग बॉटल, दिस इज मैंडेटरी फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज की कोई भी ड्रग बॉटल है उस पर एलर्जी वार्निंग होना चाहिए. एंड फॉल्टी प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो जो हमारा आंसर हुआ, फॉल्टी प्रोडक्ट है तब भी कंप्लेंट हो सकती है. हमारा आंसर हुआ बी, शॉपकीपर नॉट एडवाइजिंग द कस्टमर ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट इन द कैटेगरी इज नॉट ए वैलिड बेसिस फॉर द कंज्यूमर कंप्लेंट. ऐसा तो हम कहीं कर नहीं सकते कि हम कल एक दुकान पे गए, उससे कोई सामान खरीदा और फिर हम उस दुकानदार के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दें कि उसने हमें तो एडवाइज ही नहीं किया कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट था. हेंस आंसर इज बी. विच ऑफ द बिलो विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ए कस्टमर टू लॉज एन इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट. देखिए अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की कंप्लेंट है तो उसको कहां जाना चाहिए? पुलिस रॉन्ग, गलत है. सुप्रीम कोर्ट गलत है. इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, दिस इज करेक्ट. देखिए जो भी हम IRDA के थ्रू इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जाते हैं वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ही है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सबसे पहले अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट है तो वो आइडियली IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि IRDA का एक तरह से कंप्लेंट सिस्टम है उसके थ्रू जाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन. Which of the below statement is correct with regard to the territorial jurisdiction of the insurance ombudsman? देखिए insurance ombudsman क्या है? किसी customers की complaint सुनने के लिए ombudsman बनाए गए हैं. पूरे इंडिया के अंदर कुछ insurance ombudsman के offices है, वो उनको territorial limit बनी हुई है. territorial limit का हुआ कि एक geographical area हो गया और एक different offices बना दिया कि इस particular geography से जो जो complaints आएंगी वो इस particular इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑफिस के पास आएंगी,
और दूसरा ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल और ज्यूरिसडिक्शन बना दिया कि अगर वहां से कोई कंप्लेंट आएंगी तो वो हैंडल करेंगे। तो इसमें इस तरह से टेरिटोरियल डिफाइंड ज्योग्राफी के बेसिस के ऊपर इनके पास राइट्स होते हैं। तो देखिए दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिफाइन होती है? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हैज नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, दिस इज रॉन्ग। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हैज स्टेट ज्यूरिसडिक्शन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कोई ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का एक ही ऑफिस और पूरा वो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है। ऐसा भी नहीं है कि वो स्टेट वाइज है, ऐसा भी नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑपरेट्स ओनली विद इन द स्पेसिफाइड टेरिटोरियल लिमिट्स। तो कुछ स्पेसिफाइड टेरिटोरियल लिमिट्स होती हैं, वो पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स को मिला के भी हो सकती हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के भी हो सकती हैं। तो उन पर्टिकुलर वहां जगह से जब कंप्लेंट्स आती है तो वो पर्टिकुलर जो उस टेरिटोरियल लिमिट्स में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में आ रहा है वो उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल की और उस ज्योग्राफी की कंप्लेंट हैंडल करता है। ये ऑफिसेस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ जैसे जैसे इंक्रीज होता है बिजनेस साइज उसके बेसिस पर चेंज भी होते रहते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये जो ऑफिसेस हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है इनकी टेरिटोरियल लिमिट कम होती जाए और ये बहुत सारे ऑफिसेस ओपन होते जाए। तो ये अपने टेरिटोरियल जो रिस्ट्रिक्शन में काम करता है। हाउ इज द कंप्लेंट टू बी लॉन्च विद एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन? देखिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कैसे लॉन्च की जाती है? तो देखिए इसके ऑप्शन हमारे पास है। कंप्लेंट इज टू बी मेड इन राइटिंग, दिस इज करेक्ट। द कंप्लेंट इज टू बी मेड ओरली ओवर वर्बल फोन। कंप्लेंट देखिए कभी भी वर्बल नहीं होती। कंप्लेंट इज टू मेड रियली ओरली इन फेस टू फेस मैनर। ओरली और वर्बली कोई कंप्लेंट नहीं कंसिडर की जाती। कंप्लेंट इज टू बी मेड थ्रू न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट। न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट को भी एक कंप्लेंट के थ्रू ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए कंप्लेंट को एक राइटिंग में दिया जाता है, चाहे वो आप ईमेल के थ्रू दें चाहे आप वो एक लेटर के थ्रू दें। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्रोचिंग एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन? इसका मतलब है कि अगर किसी की कंप्लेंट है किसी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में किसी कस्टमर की, तो वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कब तक कॉन्टेक्ट कर सकता है? तो देखिए इसके आंसर हैं, ऑप्शन है हमारे पास, विद इन 2 ईयर्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट बाय द इंश्योरर, विद इन 3 ईयर्स, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 मंथ। तो देखिए अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी कस्टमर की कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देती है तो उसकी रिजेक्शन डेट से 1 साल तक वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री रिक्विजिट फॉर लॉन्चिंग ए कंप्लेंट विद द ओम्बड्समैन? देखिए इसमें विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री रिक्विजिट फॉर लॉन्चिंग ए कंप्लेंट विद द ओम्बड्समैन। प्री रिक्विजिट क्या नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन है, कंप्लेंट मस्ट बी एन इंडिविजुअल ऑन ए पर्सनल लाइन इंश्योरेंस। तो पर्सनल लाइन इंश्योरेंस के लिए डेफिनेटली इंडिविजुअल ही होगा, तो ये रिक्विजिट हुई। कंप्लेंट मस्ट बी लॉस्ट विद इन 1 ईयर ऑफ द इंश्योरेंस रिजेक्शन इन द कंप्लेंट। हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी किसी कंप्लेंट को अगर रिजेक्ट कर देती है तो वो पर्सन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को 1 साल तक कॉन्टेक्ट कर सकता है और वहां कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। कंप्लेनेंट हैज टू अप्रोच ए कंज्यूमर फॉर्म प्रायर टू ओम्बड्समैन, दिस इज नॉट राइट। कंप्लेंट की, ये कंप्लेनेंट की अपनी विषय है, उसकी अपनी इच्छा है कि वो पहले कंज्यूमर फॉर्म को करे कंप्लेंट या ओम्बड्समैन को करे, ये कस्टमर के ऊपर है। तो दिस इज नॉट राइट कि कस्टमर को या कोई कंप्लेनेंट को है वो ही हैज टू अप्रोच ए कंज्यूमर फॉर्म विदाउट ओम्बड्समैन, दिस इज नॉट करेक्ट। द टोटल रिलीफ सॉट मस्ट बी विद इन अमाउंट ऑफ 20 लाख। ये भी कोई एक ऐसी कंडीशन और प्रीरिक्विजिट नहीं है कि जो उसमें रिलीफ है वो या कोई अमाउंट है कंप्लेंट का वो 20 लाख ही होना है। इसलिए कलेक्ट करेक्ट क्या हुआ है इसके अंदर कि कौन से प्रीरिक्विजिट नहीं है कि कंप्लेनेंट हैज टू अप्रोच ए कंज्यूमर फॉर्म प्रायर टू ओम्बड्समैन, ये प्रीरिक्विजिट नहीं है। बिकॉज ये उसकी अपनी कस्टमर की विश है कि वो सबसे पहले कंज्यूमर फॉर्म को अप्रोच करे कंप्लेंट के लिए या ओम्बड्समैन को करे। आर देयर एनी फी और चार्जेस दैट नीड टू बी पेड फॉर लॉजिंग द कंप्लेंट विद द ओम्बड्समैन? तो देखिए IRDA को, IGMS के थ्रू ओम्बड्समैन को इसको अगर कोई कंप्लेंट लॉज करेंगे तो वहां पे किसी भी तरह की फी नहीं है। हैन आंसर इज नो फी टू बी चार्ज और नीड टू बी पेड। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉश कॉइन? देखिए अब हम पहले कॉरकॉइन पढ़ते हैं कि कॉरकॉइन होता क्या है। कॉरकॉइन इज द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग अनदर पार्टी टू एक्ट इन एन इनवॉलंटरी मैनर बाय यूज ऑफ थ्रेट्स और फोर्स। एक इस तरह की प्रैक्टिस है जिसमें हम किसी पार्टी को फोर्स करते हैं इसी की एक पर्टिकुलर मैनर में वो काम करे या बिहेव करे। इट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फोर्सफुल एक्शन दैट वायलेट्स द फ्री विल ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंड्यूस ए डिजायर रिस्पॉन्स। मतलब किसी भी तरह की एक तरह से हम बुली करते हैं उसको, उसको फोर्स करते हैं किसी काम को करने के लिए। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कॉइन?
रमेश शाइन से साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग ए नॉलेज ऑफ द फाइन प्रिंट। देखिए ये कोई फोर्सफुल नहीं हुआ। रमेश थ्रेटन्स टू किल महेश इफ ही डज नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये डेफिनेटली करेक्ट आंसर रहा, बिकॉज रमेश थ्रेटन्स टू किल द महेश, तो ये एक फोर्सफुल एक्ट हुआ फ्रॉम साइड ऑफ रमेश टू थ्रेट महेश। हेंस आंसर इज बी। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाई द रमेश। देखिए रमेश के द्वारा क्या चीज इंश्योर्ड नहीं की जाएगी। रमेश हाउस यस किया जा सकता है बिकॉज रमेश का इसमें सेल्फ इंटरेस्ट है। रमेश स्पाउस इंटरेस्ट किया जा सकता है बिकॉज सेल्फ इंटरेस्ट है। रमेश फ्रेंड को नहीं किया जा सकता बिकॉज उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए किस चीज की इंश्योरेंस इंश्योरेंस की जाती है, इंश्योरेंस उसी की जाती है जहां पर कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। तो देखिए कोई मेरा अगर सपोज मैं कस्टमर हूं, अगर मेरा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहाँ होगा? या तो वो मैं कोई असेट्स परचेज करता हूँ या मेरा कोई पजेसेस करता हूँ, तो मेरा वहां इंटरेस्ट जो है मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। मैंने कोई घर लिया मुझे उसका इंश्योरेंस करना है, मैंने कोई कार ली मुझे उसका इंश्योरेंस करना है, तो वहां मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरा वहां इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। बट रमेश अगर मेरा फ्रेंड है तो वहां मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मेरे को कुछ हो जाने पे रमेश डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट विद रिगार्ड टू लाइफ इंश्योरेंस? समवन हैविंग एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन यू मींस दैट दे वुड एक्सपीरियंस फाइनेंशियल लॉस एंड हार्डशिप व्हेन यू डाई। तो एक की डेथ होने के ऊपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी और वो फाइनेंशियल लॉस सफर करेंगे तो फिर वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स में कभी भी जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है आपके ब्लड रिलेटिव में, स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन या फिर आपके एसेट्स में। विच एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद अ प्रीमियम। देखिए कौन सा एक एलिमेंट है जो कि प्रीमियम को डील करता है? ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फी कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन देखिए क्या होता है, कंसिडरेशन मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन सम म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ द पार्टीज। द प्रीमियम इज द कंसिडरेशन फॉर्म फ्रॉम द इंश्योर्ड एंड द प्रोमिस टू इंडेमनिफाई इज द कंसिडरेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस। तो ये देखिए कंसिडरेशन क्या हुआ, एक जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्रीमियम जब पेमेंट करते हैं, प्रीमियम इज द कंसिडरेशन फ्रॉम द इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड होता है, जहां कस्टमर अपना इंश्योरेंस कराता है वो इंश्योर्ड हुआ तो उसके लिए क्या हुआ, प्रीमियम इज द कंसिडरेशन बिकॉज ही विल पे द प्रीमियम। बट इंश्योरेंस जो कंपनी है वो क्या करेगी, वो इंडेमनिफाई करती है इंश्योरर को कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपके बेनिफिशियरी को हम ये पेमेंट करेंगे। हेंस दिस इज द कंसिडरेशन, उसके लिए क्या हुआ, तो उसको जो कस्टमर है उसको इंडेमनिफाई करना है इन द इवेंट ऑफ लॉसेस। तो ये कंसिडरेशन हुआ, तो ये एलिमेंट हुआ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के में विच इज ट्रू। तो देखिए ऑप्शन ए, दे आर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। तो देखिए वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। दे आर वर्बल विच आर लीगली एनफोर्सेबल। देखिए वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो ये भी गलत है। दे आर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस कंपनी हुई, इंश्योर्ड जो कस्टमर हुआ, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो दोनों पार्टीज के बीच में एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। दे आर सिमिलर टू द बिगर कॉन्ट्रैक्ट। तो वेजर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, तो दे आर नॉट सिमिलर टू दैट। दिस इज अ कंप्लीटली रिटन डाउन कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन टू पार्टीज व्हिच इज कॉल्ड इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, या तो कोई मनी इन्वॉल्व हुआ, जहां पर जैसे हम इंश्योरेंस में बात करते हैं तो प्रीमियम की हुई, प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं प्रॉपर्टी हुआ, ज्वेलरी हुआ, इसमें कंसिडरेशन होता है। ब्राइब होता है विच इज नॉट ए वैलिड कोई कॉन्ट्रैक्ट का, ब्राइब कभी भी कंसिडरेशन नहीं हो सकता। हेंस आंसर इज ब्राइब। विच ऑफ द बिलो पार्टी इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इन टू ए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस ओनर, माइनर, हाउस वाइफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देखिए आंसर बहुत इसका सिंपल है, माइनर, बिकॉज जनरली माइनर आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इन टू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस ओनर होता है वो भी लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, हाउस वाइफ भी ले सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी ले सकते हैं, बट माइनर इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इन टू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर उनके बिहाफ पे, माइनर्स के बिहाफ पे पेरेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। विच ऑफ द बिलो एक्शन
showcase the principle of ओब्रिमियोफाइट्स। देखिए ओब्रिमियोफाइट्स का क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब है जब आप इंश्योरेंस ले रहे होते हैं किसी कंपनी से, तो जब आप फॉर्म प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो उसको जितने भी आपको अपने बारे में फैक्ट्स पता है, नॉन मटेरियल फैक्ट्स पता है, वो सब आप उसको डिस्क्लोज करते हैं आप अपने अटमोस्ट गुड फेथ। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी को तो पता नहीं होता कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो वो आप सब जो मटेरियल फैक्ट जो आपकी नॉलेज में है, जो आप जानते हैं, वो सारे आप उस फॉर्म पर डिस्क्लोज करते हैं। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। उसको हम ये भी बोलते हैं, स्पेशल फीचर्स में इंक्लूड होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं ओब्रिमियोफाइट्स। देखिए इसके ऑप्शंस हैं, लाइंग अबाउट द नॉन मेडिकल कंडीशंस ऑन एन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म, तो दिस ये फॉर्म नहीं होता बिकॉज लाई तो कोई होना ही नहीं चाहिए कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। नॉट रिवीलिंग नॉन मेटीरियल फैक्ट्स, ये भी गलत है। डिस्क्लोजिंग नॉन मेटीरियल फैक्ट्स ऑन एन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म, तो यही इसको हम बोलते हैं अटमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। और ओब्रिमियोफाइट्स मीन्स डिस्क्लोजिंग ऑल फैक्ट्स कि आप स्मोकर हैं, ड्रिंक करते हैं, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई आपकी एग्जिस्टिंग डिजीज है, इसको सभी को जोट डाउन करना, इसको सभी को डिस्क्लोज करना ही हम उसको बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। ऑप्शन फोर पेइंग प्रीमियम ऑन टाइम, तो इसका जो आंसर है हमें ओब्रिमियोफाइट्स, इसका हुआ अटमोस्ट गुड फेथ। डिस्क्लोजिंग नॉन मेटीरियल फैक्ट्स विच इज नॉन टू द इंश्योर्ड एंड व्हेन इट डिस्क्लोजेस ऑन एन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म। तो दोस्तों के लिए यही तक, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आइकॉन बेल को दबाना मत भूलिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा। आई एम 100% श्योर कि अगर आप उन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली आप IRDAI सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।